आप लोगों ने किए ढेर सारे कमेंट्स और रिस्पांस में हमने बनाया ये पार्ट वन की तरह ही पार्ट टू के एपिसोड में भी हमने ढेर सारे फेमस फूड्स की कैलोरीज कैलकुलेट की है। आज के एपिसोड में हम आपको बेसिक फूड्स की कैलोरीज बताएंगे, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल्स और कॉमन फूड्स, और इन सब चीजों को आपस में मिलाकर बनते हैं फेमस फूड्स एंड जंक फूड्स, जो आप देखेंगे पार्ट थ्री में। सबसे पहले फ्रूट्स। ऑरेंज 47 कैलोरीज और एक मीडियम ऑरेंज 53 कैलोरीज। पोमोग्रेनेट 83 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स, एक मीडियम साइज 56 कैलोरीज। पोमोग्रेनेट को फ्रेंच में ग्रेनेड भी बोलते हैं, तो किसी का सर मत फाड़ दीजिएगा। डेट्स या खजूर, इसके अंदर होती है 282 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स। इसके पर पीस में लगभग 24 कैलोरीज होती है, जो कि सभी फ्रूट्स में से सबसे हाईएस्ट कैलोरीज है। अवोकाडो, इसके अंदर लगभग 60 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम्स के अंदर। किसी भी फ्रूट के हिसाब से सबसे ज्यादा फैट अवोकाडो के अंदर ही होता है। पपाया 100 ग्राम्स में लगभग 43 कैलोरीज, लेकिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पपाया प्रोड्यूस करता है। एटलीस्ट आपको पपाया खाते वक्त लगना चाहिए कि भारत किसी चीज में तो आगे है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। गुआवा या अमरूद, इसके अंदर 100 ग्राम के अंदर 66 कैलोरीज होती है। वाटरमेलन के अंदर 26 कैलोरीज, ग्रेप्स के अंदर 45 कैलोरीज, मैंगो के अंदर 74 कैलोरीज, बनाना के अंदर 89 कैलोरीज। नॉर्मली एक मीडियम बनाना के अंदर 110 कैलोरीज होती है और एक मीडियम एप्पल के अंदर 80 कैलोरीज और 100 ग्राम्स के अंदर 52 कैलोरीज। जैसे कि सभी वेस्टर्न डाइट्स में आपको बताया जाता है कि आपको एक टाइम पे मिक्स फ्रूट्स लेना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद क्लियरली ये स्टेट करता है कि आपको कभी भी मिक्स फ्रूट खाने से अवॉइड करना चाहिए और सिर्फ सीजनल फ्रूट ही खाना चाहिए। जो भी 100-200 ग्राम्स आपको रिकमेंडेड है वो आप सीजनल फ्रूट्स ही लें। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन फूड्स। सबसे पहले दही। दही 100 ग्राम में 65 कैलोरीज ही। दही को बनाने के लिए लगभग नींबू चाहिए या फिर कोई पुराना दही। वहीं दूसरी तरफ है योगर्ट, जिसके अंदर होता है 61 कैलोरीज 100 ग्राम के अंदर। अब देखने में दही और योगर्ट लगभग सेम टू सेम लगेंगे, बट योगर्ट थोड़ा ज़्यादा ठीक होता है क्योंकि उसको बनाने के लिए बैक्टीरियम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का किया जाता है और ये सिर्फ फैक्ट्री में ही बनता है। लस्सी पंजाब में बहुत ही कॉमनली पी जाती है। इसके एक कप या 150 ग्राम्स में आपको लगभग 131 कैलोरीज मिल जाएगी, तो आप 100 ग्राम्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से पंजाबी लोग 150 ग्राम्स नहीं लेते, उनका कप कुछ ज़्यादा ही बड़ा। चीनी या शुगर 16 कैलोरीज पर टीस्पून, और अगर आप टेबल स्पून लेते हैं तो 48 कैलोरीज। यदि आप 100 ग्राम्स लेते हैं तो 387 कैलोरीज। वहीं यदि अगर आप गुड़ लेते हैं चीनी के बदले तो ये घटकर 383 कैलोरीज हो जाता है 100 ग्राम्स में, सिर्फ 4 कैलोरीज का डिफरेंस। यदि आप रॉ चिकन लेते हैं बोनलेस तो उसके अंदर लगभग 120 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम्स के अंदर। वहीं यदि आप रॉ मटन लेते हैं बोनलेस तो उसके अंदर डबल कैलोरीज होती हैं 230 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स। बहुत तेज हो रहा है। वहीं यदि आप फिश लेते हैं तो वो 88 कैलोरीज देती है 100 ग्राम्स के अंदर। यहाँ पर फिश मतलब रोहू। अब हम देखेंगे सब्जियों को। सबसे पहले आता है प्याज, जिसके अंदर 100 ग्राम्स में आपको 40 कैलोरीज मिलेगी। फिर हम देखते हैं टोमेटोज, जिसके अंदर सिर्फ 18-20 कैलोरीज होती है 100 ग्राम्स के अंदर। यदि आप ककड़ी या खीरा लेंगे तो 15 कैलोरी ही मिलेगी 100 ग्राम के अंदर। यदि आप तीनों को मिक्स करेंगे तो आपका कॉमन इंडियन सैलेड बन जाएगा। गोभी या कॉलीफ्लावर 32 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स। हरी मिर्ची 40 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स। जिंजर 80 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स। गार्लिक 149 कैलोरीज पर 100 ग्राम। अभी आपने क्लियरली देख लिया होगा कि इन सभी सब्जियों में लहसुन सबसे ज़्यादा कैलोरीज रखता है, फिर भी ये एडवर्टाइज किया जाता है कि यदि आप गार्लिक खाते हैं सुबह सुबह तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। अजीब बात है। भिंडी 33 कैलोरीज पर 100 ग्राम एंड मोस्ट कॉमन आलू 96 कैलोरीज पर 100 ग्राम। उसके अंदर जो स्टार्च होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है जो सचमुच आपको मोटा कर सकते। यदि आलू को छिलके के समेत ही कंज्यूम करते हैं, आलू के छिलके के अंदर इतना फाइबर होता है, वो इस सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर। सब कुछ पक दिया तूने। अब हम बात करेंगे दालों। सबसे पहले आता है मूंग दाल, जो कि बहुत ही कॉमन है। यदि आप उसे कुक्ड लेते हैं तो 100 ग्राम्स में 115 कैलोरी ही मिलती है। यदि आप उसे कच्चा ही चबा जाते हैं
तो आपको लगभग 339 कैलोरीज मिलेगी 100 ग्राम्स के। वहीं अगर आप मूंग की दाल को स्प्राउट कर दें तो उसकी कैलोरीज घटकर सिर्फ 30 कैलोरीज ही रह जाती हैं। नेक्स्ट है अरहर की दाल, जिसे मोस्ट कॉमनली आजकल तुअर की दाल भी कहते हैं। यदि आप इसे कुक्ड लेते हैं तो 187 कैलोरीज के करीब मिल जाएंगे आपको 100 ग्राम्स में। यदि आप इसे अनकुक्ड लेते हैं, मुझे नहीं पता आप कैसे लेंगे, तो आपको मिलेंगे 343 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स। दूसरी तरफ है उड़द की दाल, इसके अंदर भी सेम 347 कैलोरीज है 100 ग्राम्स। यदि आप इसे कुक करेंगे तो ये घट के हो जाएगी 180 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड चने की दाल, जिसके अंदर अनकुक्ड में 362 कैलोरीज होती है 100 ग्राम्स में। यदि आप इसे कुक कर लेते हैं तो घट जाती है 138 कैलोरी। अब आपको मैक्सिमम चीज़ों की कैलोरीज पता हो चुकी है, तो आप जब भी किसी चीज़ को बनाते हैं तो आप उन सबको इंडिविजुअली नोट करके, कंबाइन करके, रेसिपी के हिसाब से आप अपनी खुद की कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी व्यंजन की।